हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पंकज कुमार, प्लास्टिक एंड माइक्रोवैस्कुलर सर्जन फ्रॉम झारखंड। आज का वीडियो वेरिकोज वेन के बारे में है। टर्म वेरिकोज वेन अंगूर के गुच्छे से आया है। ग्रीक भाषा में अंगूर के गुच्छे को वेरिसिस कहा जाता है। वेरिकोज वेन में नसों और वाल्व्स का गुच्छे की तरह दिखने के कारण इस डिजीज़ को वेरिकोज वेन कहा जाने लगा। वेरिकोज वेन का सबसे एंसेंट लिटरेचर 1500 BC का है, जिसमें एबस पैप्रियस द्वारा इसे लिखा गया है, जिसमें नसों के बारे में बहुत विस्तार से लिखा गया है, लेकिन इसमें इसके ट्रीटमेंट के बारे में नहीं बताया गया है। हिप्पोक्रेटस, जिन्हें फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, 400 BC में वेन पंक्चर और उसके अंदर हॉट कॉस्टिक सब्सटेंस इंजेक्ट करके कंप्रेशन बैंडेज द्वारा वेन के ट्रीटमेंट के बारे में उनका इन्वेंशन रहा है, और ये ट्रीटमेंट बहुत सदियों तक गोल्ड स्टैंडर्ड रहा उस ज़माने में वेरिकोज वेन के ट्रीटमेंट के लिए। इसके बाद कई सदियों तक वेरिकोज वेन के इलाज में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आया। हिप्पोक्रेटस का बताया हुआ टेक्निक ही यूज़ होता रहा। 270 BC में फॉर्सेप और क्लैंप्स के आविष्कार के बाद वेरिकोज वेन को लाइगेट किया जाने लगा, मतलब धागे से डायलेटेड वेन को बांधा जाने लगा। मॉडर्न एज में 1485 को लैंडमार्क कहा जा सकता है। लियोनार्डो द विंची, मोनालिसा की पेंटिंग जिन्होंने बनाई है, और उनके और भी बहुत सारे आविष्कार हैं, उन्होंने वेरिकोज वेन का एक पोर्ट्रेट बनाया। एक्चुअली ये लोअर लिम्ब की एनाटॉमी को पूरी तरह से इलस्ट्रेट करके बनाया गया एक पोर्ट्रेट था, और इनके इस चित्र के बाद हमारी समझ लोअर लिम्ब के वेनस सिस्टम के बारे में पूरी तरह से बदल गई। वो लोअर लिम्ब को फ्रॉम ग्राइन टू टोज अच्छी तरह से पोर्ट्रेट कर पाए, और वो एनाटॉमिकल डिसेक्शन पे बेस्ड था। 1800 में चार्ल्स गैब्रियल ने एक सिरिंज का आविष्कार किया, जिससे वेन के अंदर एस्क्लोरोजेंट एजेंट को डाला जाने लगा। और मज़े की बात यह है कि ये गैब्रियल सिरिंज आज भी हमारे OT में मौजूद है। इसका यूज़ आज भी होता है हेमराइड्स और पाइल्स के एस्क्लोरोथेरेपी में। इसके लगभग 200 सालों तक एस्क्लोरोजेंट के क्षेत्र में बहुत सारे इन्वेंशंस हुए, बहुत सारे मेडिसिनल सब्सटेंस को एस्क्लोरोजेंट के रूप में यूज़ किया जाने लगा, और वेरिकोज वेन के ट्रीटमेंट में बहुत सारी चेंजेस आई। 1905 में केलर ने स्ट्रिपिंग टेक्निक का आविष्कार किया। इसमें तार की तरह का एक डिवाइस वेन के अंदर डाला जाने लगा, और उससे फिर वेन को खींच कर बाहर निकाला जाता था। 1938 में लिमोन ने लाइगेशन ऑफ परफोरेटर्स टेक्निक का यूज़ किया, जिसमें वेन के परफोरेटर को आइडेंटिफाई करके डिसेक्शन के द्वारा फिर उन्हें बांध दिया जाता था, जिससे कि वेरिकोज वाले वेन में ब्लड का फ्लो रुक जाता था, कम हो जाता था, और ये भी एक बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मानी जाती थी। 1980 में ड्यूप्लेक्स अल्ट्रासोनिक स्कैनिंग, जिसे आज कलर डॉपलर भी कहते हैं, इससे वेन के वाल्व, परफोरेटर्स और उसके इंटरनल एनाटॉमी के बारे में बहुत सटीक तरीके से जानकारी मिलने लगी। और इसके बाद जो वेन के ट्रीटमेंट में, वेरिकोज वेन के ट्रीटमेंट में बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारी अदर टेक्निक्स आई जो कि ड्यूप्लेक्स अल्ट्रासाउंड पे बेस्ड होती थी। 1999 से रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, जिसे RFA टेक्निक कहा जाता है, इसे FDA अप्रूवल मिला। इसमें वेन के अंदर गाइड वायर और कैथेटर की मदद से रेडियो फ्रिक्वेंसी द्वारा वेरिकोज वेन और उसके वाल्व को एब्लेट किया जाने लगा, और ये टेक्निक भी बहुत दिनों तक काफ़ी अच्छे से यूज़ होती रही। 2000 में टेजियर ने एक नोवेल टेक्निक, जिसे फोम एस्क्लोरोथेरेपी कहते हैं, उसका आविष्कार किया। इसमें कुछ फोम लाइक सब्सटेंस वेन के अंदर डालकर वेन को ब्लॉक किया जाने लगा। और फिर आया साल 2001 का, जिसमें डायोड लेज़र टेक्निक का आविष्कार हुआ। नवारो विन एंड बोन ने अपने एक लिटरेचर में 1470 एंड 810 डायोड लेज़र का यूज़ वेरिकोज वेन के ट्रीटमेंट में किया, और यही ट्रीटमेंट आज के डेट में गोल्ड स्टैंडर्ड है। इस ट्रीटमेंट में वेन के अंदर एक ऑप्टिकल फाइबर को इंट्रोड्यूस किया जाता है,
और बहुत ही प्रिसाइज तरीके से डायोड लेज़र का यूज़ करके वेन के वाल्व्स और उसके फैलाव को कम किया जाता है, वेन के वाल्व को एब्लेट किया जाता है। अगर आने वाले समय में हम टेक्निक्स की बात करें तो 2015 के बाद FDA अप्रूव टेक्निक है जिसे वेनासील कहते हैं। इसमें वेन के अंदर एडहेसिव एजेंट डालकर वेन को सील किया जाता है। ये टेक्निक शायद आने वाले समय में सभी टेक्निक्स के ऊपर आ जाए, मतलब इसका यूज़ पूरी तरह से ऑल ओवर वर्ल्ड होने लगे। वेरिकोज वेन को ह्यूमन सिविलाइजेशन की सबसे एंशिएंट डिजीज कहा जा सकता है, क्योंकि एज पर लिटरेचर ये सबसे पुरानी डिजीज़ है। ये हम इंसानों को अपने पैरों पर खड़े होने की कीमत है, मतलब हम अपने पैरों पे खड़े हैं तो ग्रेविटी के कारण हमारा ब्लड फ्लो नीचे की तरफ जाता है, और इसके कारण टाइम के साथ जैसे जैसे समय बीतता है तो कुछ लोगों में वाल्व इनकॉम्पिटेंट होते हैं, नसों का फैलाव होता है। अच्छी बात यह है कि आज के ज़माने में वेरिकोज वेन के ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, और बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो बहुत सटीक तरीके से वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट करती हैं। अभी के टाइम में अगर किसी एक टेक्निक की बात की जाए तो इंडोवेनस डायोड लेज़र एब्लेशन, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, ये नंबर वन टेक्निक है। इस टेक्निक से वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट बहुत मिनिमल इन्वेसिव तरीके से शरीर में बहुत कम ट्रॉमा पहुंचाए किया जाता है। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।